वी बोर्ड का ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। इसमें आपको हमने बताया था, पहले नंबर पार्ट 1 में आपको बताया था माई वी बोर्ड कैसे चलाना है, पार्ट दूसरे में बताया माई वी बोर्ड के लिए कौन सा ऐप यूज करें जो आपको मतलब टीचिंग कर सके। अब पार्ट 3 है कि क्योंकि आप जब क्वेश्चन लगाएंगे इतने में आपका क्वेश्चन आ जाता है, चलो इनको थोड़ा ऊपर कर दें, और ठीक है आप इतने में लगा पाएंगे। ये पार्ट नंबर 1 हम आपको दे, ये पार्ट नंबर वैसे 3 है, ठीक है। एक पार्ट में हमने आपको क्या बताया था, कैसे माई वी बोर्ड को चलाते हैं, पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि कौन सा पेन यूज करें, कहाँ से खरीदें, और ये ज्यादातर जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 में ये चीज बताया, और ये पार्ट नंबर 3 इसमें आपको हम ये बताएंगे इन चिन्हों का कैसे छोटा करें। अब मतलब क्या है कि अब देखना कैसे क्यों छोटा करने की जरूरत पड़ेगी, जब आप सवाल लगाएंगे, ये देखो हमने उधर खिसका दिया हाथ से, इतने में आपका तो सवाल आ जाएगा, ठीक। यहाँ जब आप फोटो लगाओगे, अब बचा आपके पास इतनी जगह ये घेर लेंगे, तो आपके पास तो यही इतनी जगह बची, इतने में तो सवाल तो लग नहीं पाएगा ना, तो इसलिए ये इतनी जगह बची है। कभी कभी आप इसके ऊपर भी चले तो ये थोड़ा नीचे जगह मिल जाए तो ज्यादा सही रहता है। तो आपको देखिए इसको आपको खत्म करने के लिए रियलमी में, रियलमी फोन में तो ये फंक्शन है, और आप नहीं है तो आप ढूंढ लें, ज्यादातर जो अच्छे स्मार्टफोन है सब में ये दिया गया है। क्या दिया गया, ये जितने रियलमी के फोन उसमें तो ये दिया ही गया है कि आपको कहाँ जाना है, आपके अपनी सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन को खोलना, उसके अंदर मिलेगा। चलो आपको हम अपनी सेटिंग के अंदर लेवा के फिर दिखाते हैं। चलिए यहाँ देखिए आपकी सेटिंग में जाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, अबाउट फोन में जाना है। ये हम आपकी सेटिंग में आ गए मोबाइल की, तो सबसे पहले आपको अबाउट फोन ढूंढना है। ये देखो आपको दिख रहा है, ये वाला दाब दिया, उसके बाद इसमें से रियलमी यूआई वर्जन पे 3 बार टैप करना है, 1 2 3 जैसे टैप करोगे। देखो पहले से मैं डेवलपर ऑप्शन खोल रखा हूँ तो इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा है। जैसे आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आप मोबाइल का नंबर डाल दें, मतलब मोबाइल नंबर डाल दें, मोबाइल का सीरियल नंबर डाल दें, और यूट्यूब पे डाल के देख लें कैसे डेवलपर ऑप्शन खुलता है, ठीक है। वैसे रियलमी में ये आप या ये किसी इसमें देखिए, या तो इसमें दाबना होगा या तो ये वाले में, तो इसमें 3 2 V वाले में, और ये देखिए प्रोसेस क्वाड लिखा है प्रोसेसर, इसमें 2 में से किसी एक में 3 बार टैप करने पर आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए डेवलपर ऑप्शन जाएगा कहाँ, सबसे बड़ी बात ये, डेवलपर ऑप्शन जाएगा आपकी एडिशनल सेटिंग में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जाना है देखिए डेवलपर ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है आपका डेवलपर ऑप्शन, तो ये दिख रहा है डेवलपर ऑप्शन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ से आपका खेल चालू होता है। इसमें से सबसे नीचे आओ, इसमें कहाँ ढूंढना है जो आपकी वर्थ को कम कर दे। आप देखिए ये तो लॉन्गर वफर साइज है, इसमें कुछ नहीं, आपको मिनिमम वेल्थ ढूंढना है। देखिए इसमें भी नहीं है, ये सबसे आपको नीचे मिलेगा, ये देखो मिनिमम वेल्थ का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें मैक्सिमम 1450 है, तो आप उतने पे चलाएं तो अच्छे से चलेगा। जब आप पेन लेंगे, क्योंकि बिना पेन के आप चलाएंगे तो उसमें टच सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पेन को बदल नहीं पाएंगे, जैसे आपने इरेज किया फिर उसके बाद आप पेन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये वाला जो हमने आपको पार्ट 2 में आपको बताया, ये पेन आपको लेना पड़ेगा, तभी आप उस पर उस तरीके से कर सकते हो। देखिए जैसे मैं इस पे देखो, पहले तो आपको एक ट्रेलर दिखाते, जैसे मैं 500 पे करूंगा देखो कितना छोटा हो जाएगा, हो गया छोटा। अब हमें इतना छोटा और इससे और छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, हमने कहा हमें तो बिल्कुल वो चिन्ह से मतलब है जो माई वी बोर्ड में दिए गए, तो हमें 1450 टोटल कर दे। देखिए कितना अब छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा छोटा, अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब आपको कहाँ जाना है, माई वी बोर्ड के अंदर चलना है। चलिए अब यहाँ आते हैं, अब देखिए माई वी बोर्ड के अब देख लीजिए, अब कितने छोटे छोटे, पहले कितने बड़े बड़े थे आप देख लीजिए बिल्कुल। इससे क्या होगा, देखिए आप ये छोटे छोटे हो गए, लेकिन जब आप पेन नहीं होगा तो आप बदल नहीं, जो आप घर का पेन बनाओगे उससे काम करेगा लेकिन मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हमने कहा था। ये देखिए इसको फुल स्क्रीन कर दिया, अब देखो फुल जगह आपको मिल गई, ये नॉर्मल है छोटा सा, और ये आप जो पेन खरीद लेंगे आराम से काम आप टीचिंग आप कर सकते हैं। अब आपको बोया का, बोया M1 का माइक लेना, वो आएगा आपका 1000 रुपये का, ये एक अच्छी, इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी, ये हम जो लिख रहे हैं सब जो हमने पार्ट 2 में आपको पेन जैसे बताया उसी पेन से मैं लिख रहा हूँ, इससे क्या होगा कि ये माइक सबसे अच्छा आपकी क्वालिटी, आवाज़ की क्वालिटी को अच्छा करेगा। जैसे आप भले ही तेज बोलें लेकिन क्या होता है कि आपको ये लगेगा नए नए सीखे तो अभी आप में वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको तेज बोलें तो तेज क्या, वो मोबाइल ही नहीं लेता तेज, इसलिए आपको बोया M1 का माइक लेना पड़ेगा। हमने बताया था लगभग 1500 का खर्च, 1500 भी नहीं 1000 ये हो गए, और 200 का पेन आएगा,
1200 में आप टीचिंग कर सकते हैं। आपके पास एक फोन अच्छा होना चाहिए क्या, 4 4 64 होना चाहिए आपके पास मेमोरी का, ये सिस्टम कितना 4 64 हो तो आप अच्छे से, जैसे रियलमी का C1 है वो एक भी काम अच्छे से नहीं, मतलब हैंग करने, क्योंकि जब यूट्यूब आप पढ़ाओगे तो उसके लिए हर तरीके का अलग अलग ऐप चाहिए और एडिट करने के लिए अलग अलग ऐप चाहिए, तो इसलिए आपको अच्छा फोन एक आपके पास होना चाहिए। और उसके लिए आपको एक बोया, अभी नहीं है आपके पास तो ना ले, उसी तरीके से चलाए हम बता देंगे थोड़ी आवाज कहाँ से बढ़ाएं, जब हम आपको काइंड मास्टर में टाइपिंग सिखाएंगे। ठीक है, ये माई वी बोर्ड का पूरा क्लियर हो गया। अब आपको हम बताएंगे साउंड, जो मतलब वॉइस होती है, साउंड कैंसिलेशन। ठीक है, इसमें आपको बताएंगे जो बाहर से नॉइज आती है, ये अगले वीडियो में रहे क्योंकि ये अगला ऐप है, तो आपको ये नॉइज कैंसिलेशन का ऐप होगा। इसमें क्या होगा, जैसे आप पढ़ा रहे हो जैसे आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो ऐड होती है, तो उसके लिए हमने आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे खत्म करें। ठीक है, और आपको ये चीज देखनी है तो मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर जाकर आप देख लो, मैंने उसी ऐप से नॉइज कैंसिलेशन किया है, फिर उसके बाद मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, आप देख सकते हैं कहीं कैंसिलेशन मतलब कोई आवाज नहीं आएगी हवा की, जैसे कोई चिड़िया कहकर रही, जो हवा चल रही है वो सब रिकॉर्ड करता है, तो इसलिए वो सारी कैंसिलेशन कर दे तो अच्छे से काम करता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो मेरा पहला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।